चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव अधारियों की खबरें। झालावाड़ के खानपुर में नोटबंदी के 51वें दिन बैंकों के द्वारा ग्राहकों को कैश नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 5 एटीएम होने के बावजूद ज्यादातर एटीएम बंद होने और चालू एटीएमों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। चौक के अलीगढ़ में सोप कस्बे से मदन मोहन भगवान की मूर्ति चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोप थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। आरोपी गिरफ्तार होने तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नेताओं व अधिकारियों को गांव में प्रवेश नहीं करने का भी निर्णय लिया है। भरतपुर के रूपबाग में भामाशाह शिविर में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। शिविर में करीब 500 भामाशाह कार्डों का वितरण किया गया। जहां पेंशन पालनहार योजना भामाशाह और आधार कार्ड बनवाने के फॉर्म जमा किए गए। एसडीएम परसराम मीणा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन हुआ। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति बस्तवा में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र की कुछ लोगों द्वारा की गई झूठी शिकायत की जांच करने और केंद्र का निर्माण निर्धारित स्थान पर करवाने की मांग की। इसको लेकर जिला परिषद और विकास अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है, जहां बस्तवा सरपंच कविता कंवर सहित ग्रामीणों ने बताया कि जोधपुर जिला कलेक्टर जिला परिषद के सीईओ और पंचायत समिति बालेसर में ज्ञापन भेजकर सुजाननगर ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र का भवन जहां पर बन रहा है उस जगह गोचर भूमि की नहीं है। जैसलमेर पोखरण में अब तक चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। रहवासी मकान में शराब ठेके में चोरी का मामला है। चोरों ने लाखों के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। फलसुन पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के सिकराय में एसडीएम रतनलाल योगी द्वारा किए निरीक्षण में आंगनवाड़ी केंद्र में अनियमितताएं मिली हैं, जहां पोषाहार के चालान बिलों में कमियां मिली हैं। बिना पर्यवेक्षक के 16 बेबी मिक्स पोषाहार के बिल प्रमाणित मिले। झालावाड़ के अकलेरा में खाली पड़े भूखंड के मालिकों को अब नोटिस जारी किए जाएंगे। यहां खाली पड़े प्लॉटों में लोग गंदगी फेंक रहे हैं। वहीं नगर पालिका सर्वे करवाकर नोटिस जारी किए जाएंगे। करीबन 20 सालों से ये भूखंड खाली पड़े हैं। अजमेर के विजयनगर में रेलवे ने अजमेर पूना के बीच जनवरी में साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूना से प्रत्येक मंगलवार, अजमेर से प्रत्येक बुधवार को यह ट्रेन चलेगी। अजमेर के बिनाय में नोटबंदी के इतने दिनों बाद भी बिनाय कस्बे में बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। भीड़ के चलते बाजार में जाम लग जाता है। नागौर के मेरता सिटी में डिस्कॉम ने पिछले 3 महीने में 11 लाख की बिजली चोरी पकड़ी है। 373 उपभोक्ताओं को पेनल्टी जमा कराने का नोटिस दिया गया। 3 महीने से पहले डिस्कॉम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा है। इतने वर्षों से उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहे थे। राजसमंद के आमेट में उपखंड के आगरिया गांव से सरदारगढ़ फार्म चौराहे तक की 4 किलोमीटर सड़क पर शुरू किया गया कार्य 3 महीने से बंद पड़ा होने से लोगों और वाहनधारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र मार्बल होने से मावल पत्थरों से भरे ट्रकों के निकलने का हादसे का अंदेशा भी बना रहता है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में फर्जीवाड़ा कर राशन उठाने का मामला सामने आया। झालर बावड़ी राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और एक डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दूध की डेयरी पर छापा मारा गया, जहां 500 लीटर दूध नष्ट किया गया। एक दुकान से कलाकंद का सैंपल भी लिया। ये दुकानदार बिना लाइसेंस के दुकान चला रहे थे। अधिकारियों ने लाइसेंस बनवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में जीप की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जीप चालक युवक के शव को चिकित्सालय में जीप में छोड़कर फरार हो गया। वहीं मृतक की शिनाख्त झालावाड़ निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को मोची में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना सरूपगंज थाना क्षेत्र की है। चूरू के सरदार शहर में नागरिक परिषद की ओर से तुलसी चौक पर कौशपड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ हर साल लगने वाले पौषबड़ा कार्यक्रम में इस बार भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पौषबड़ा कार्यक्रम में भाग लेकर राहगीरों को बड़े खिलाए। जालौर के चितलवाना में क्षेत्र में शिक्षा विभाग के नियम व आदेशों का निजी स्कूल संचालक उल्लंघन कर नियम विरुद्ध संचालन कर रहे हैं। वहीं स्कूलों की छुट्टी घोषित होने के उपरांत ही निजी स्कूलों ने बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जालौर के आहोर में बिछवाड़ा गांव के पास आहोर रोड पर एक बाइक सवार ने रास्ता पार कर रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला का एक पैर फ्रैक्चर हो गया और महिला को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर के चौथरी में पंचायत समिति के ऊटिया व बैंजा ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण ग्राम पंचायत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागीय समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। जालौर के जसवंतपुरा में सिंधा माता चौराहे से राजपुरा मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य 5 महीने से बंद पड़ा है, जिससे मार्ग पर डाले गए पत्थरों से वाहन चालकों को हादसे का डर रहता है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में बोडामली में पीएचडी राज्य मंत्री सुशील कटारा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में जिला प्रमुख जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे।
ग्रामीणों ने चिखलावाया बोड़ामली से सीमलवाड़ा रोडवेज बस शुरू करने, गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए पानी की टंकी, कोदरिया डामर सड़क निर्माण, स्कूल में रिक्त पद भरने की मांग की, जिसे राज्य मंत्री कटारा ने आश्वस्त किया। बारा के छिपापड़ौद में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 84 महिलाओं की नसबंदी की गई। पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर ने बताया कि सभी नसबंदी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000 रुपए का चेक राज्य सरकार द्वारा दिया गया। कैंप के अंदर सेक्टर के सभी एनएम तथा आशा सहयोगियों ने प्रेरक का कार्य किया। कोटा के सुल्तानपुर में नोटबंदी के विरोध में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में 30 दिसंबर को कोटा में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। भीलवाड़ा के सहाड़ा में रोडवेज परिचालक ने जांच दल से बदसलूकी की, जहां उन्हें सवारी बिना टिकट पाए जाने पर दल ने कार्रवाई की, तो मौके पर ही परिचालक ने लॉकशीट को निकाल लिया। बाद में जांच दल के सदस्यों से गाली गलौज की और अहमदाबाद डिपो मैनेजर महेश उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा में पुरातत्व विभाग का दल डिग्गी पहुंचा, खुदाई में मिले सिक्कों की जांच शुरू की गई। साथ ही खजाना खोदने वालों से अब तक पूछताछ नहीं की गई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हनुमानगढ़ के संगरिया में कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में चल रहे जय किसान जय विज्ञान सप्ताह के तहत कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। इसमें 8 गांवों के तकनीकी क्लब सदस्यों ने भाग लिया। इसमें समसामयिक कृषि कार्यों पर किसानों वैज्ञानिकों के बीच आपसी संवाद भी हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत संगीता में पेयजल समस्या को लेकर चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी है। ग्रामीण 2 एसडी में बने जलदाय विभाग के वार्ड वक्त से गांव के वंचित वार्डों को पेयजल आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया पुराने वाटर बक्स की डिग्गियों में सैनयुक्त खारा पानी है, जो कि पीने लायक नहीं, इससे जल जनित बीमारियां फैल रही हैं। इसके बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारी मांग पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिस ने 5 लाख रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़ित से जमीन दिलवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था, पैसे भी ले गया और जमीन भी नहीं दिलाई, जिसका मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया। बाड़मेर समदड़ी में जहां एक तरफ राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी के चलते सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। खारवा गांव के अंदर पिछले कई महीनों से जगह जगह पर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन होने के कारण खाली भूखंड और खेतों के अंदर ये पानी जा रहा है। इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन न ही तो स्थानीय अधिकारी ध्यान दे रहे हैं न ही कोई कर्मचारी। झुंझुनू दापरवाटी में खेदरों की धाड़ी तनगुड़ा बावली में जल सुनवाई शिविर लगाया गया। तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौजूद अधिकारियों को जल समस्या के समाधान के आदेश दिए। ग्रामीणों ने रात्रि में बिजली कटौती बंद करने, लंबित पड़े कनेक्शन जल्द कराने, रात्रि में छात्रों की पढ़ाई के लिए सिंगल फेस बिजली देने, सड़क से अतिक्रमण हटाने, धाड़ी में पेयजल समस्या के निदान के लिए बड़ी टंकी के निर्माण की मांग की। भरतपुर नदवई के गांव अटारी में ग्रामीणों की ओर से रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को ग्राम पंचायत ने प्रशासन के सहयोग से हटवाया, जहां इससे पहले ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस जारी किया गया था। और खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।